उन्हें पाने के लिए उनकी सन्निधि, उनकी निकटता, उनका संसर्ग, उनका संस्पर्श, उनका अनुग्रह पाने के लिए क्या पुण्य है सुपर्णखा के, कि भगवत सन्निधि में पहुंच गई। भगवान ने कुछ ऐसे संकेत किया कि अरे बिना जप तप के, यद्यपि सन्मुख हो जीव मोहि जब भई, जन्म कोटि अघना सही तब भई, पर सीधे मुझे ही प्राप्त करना चाहती तो लखन तो से तो पूछ साधन क्या है। और हाँ, मेरे तो वामांग में सीता है ही, तो स्वकीया नहीं है, निष्ठा नहीं है, केवल राम की ही नहीं, इस पे अटल रहती, निश्चय रहता उसका। अब राम की किंचित उपेक्षा है या राम ने अनिच्छा व्यक्त की, तो अब वो लक्ष्मण की होना चाहती है। और भगवान ने कहा चलो ठीक ही हुआ, ये योग्य है ही नहीं, ये ऐसी पात्र है ही नहीं। काम ऐसे ढके रखता है हमको, हमारी कामनाएं, ईर्ष्णाएं, वासनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं हमारे मन को मूढ़ बना के रखती हैं। हम इन द्वंद्वों से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते। हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, सुख दुख, इनसे ऊपर कभी नहीं उठ पाते। दिन भर मन इन दो बातों के तो विचार करता है कि यह अपमान हो गया, यह मान हो गया, यहाँ हानि हो गई, यहाँ लाभ हो गया, यहाँ थोड़े प्रसन्न थे, यहाँ थोड़े अप्रसन्न हो गए, ये थोड़े से अपने से हैं, वो थोड़े से पराये से हैं, इनसे सुख मिलेगा, इनसे दुख मिलेगा, बस इस ज्यादा मन को कुछ नहीं पता। मन दिन भर इन चार पांच चीजों के अलावा मन कुछ जानता नहीं है कि थोड़ा सुख है, अब थोड़ा दुख है, अब थोड़ा हर्ष है, अब अमर्ष है, थोड़ा मान है, अपमान है। दिन भर मान की चिंता मन को, और चूंकि मान नहीं मिला है, यश नहीं मिला है, अनुकूलताएं नहीं मिली है, तो दुखी है। अब जिनके कारण नहीं मिला है वो अकारण शत्रु हो गए, अब वो कई बार नहीं मिलता हूं उसे तो फिर वो शत्रुओं, वो शत्रु ही हो गए, वो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य और घटनाएं जो अनुकूल नहीं है। इतना सा ही आता है मन को, और कुछ नहीं आता। इससे अधिक की समझ हमने उसे दी भी नहीं, इससे अधिक के संस्कार हमने वहां पहुंचाए भी नहीं, इससे अधिक वो जानता भी नहीं कि अनुराग क्या है, वैराग्य क्या है, प्रीति क्या है, स्नेहन क्या है, प्रणयन क्या है, त्याग किसे कहते हैं, बलिदान किसे कहते हैं, न्यौछावर होना होता क्या है, कैसे दूसरों को समर्पित हो, वो जानता भी नहीं तो नहीं कि समर्पण कहते किसे हैं, उच्च आदर्शों का अनुसरण कैसे करें, वो पहचानता तक नहीं, वो जानता नहीं, उसको पता भी नहीं आदर्श क्या होते हैं, वो तो ये भी नहीं जानता कि मैं एक उदाहरण बन सकता हूं इस धरती पर, एक उदाहरण, एक आदर्श, एक बड़ा मूल्य, एक स्वस्थ परंपरा, मैं एक बड़ी कथा बन सकता हूं इस धरती एक पर, एक में नया युग पैदा कर सकता हूं। मन इतना सब कर सकता है, पर मन को पता कहां है, वो तो इतनी सी जानता है बात है कि थोड़ा सुखी हो गए, दुखी हो गए, यहां सुख है या दुख है, यहां हर्ष है या शोक है, हानि है लाभ है, या जय और पराजय है, और हां ये अपने वो पराए हैं, ये मेरा है और वो तेरा है, बस इतना ही तो पता है मन को। बड़ी मान्यताएं बनाई है मन ने कि धन होगा तो यश आएगा, सुख आएगा, संपदा आएगी, ऐश्वर्य आएगा, विभूति आएंगी, कीर्ति आएगी, चर्चाएं होंगी, फिर वाहन आएगा, भवन आएगा, अट्टालिकाएं आएंगी, भूमि का विस्तार होगा, और हां एक बड़ा पद भी तो मिलना चाहिए, उसकी जुगाड़ में लगा रहता है फिर पूरी लाइफ है। कितने दिन के, वो 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के,
कितने दिन के हैं वो भी चिरकालिक नहीं है। अगर ऐसा भी हो तो चलो उन पे भी ध्यान लगाया जाए, क्षणिक। अद्भुत, भगवान ने कहा एक पल में ये विरत हो गई, एक पल के अंदर ही, क्योंकि अयोग्य थे, अपात्र, क्योंकि वहां पुण्य ही नहीं है, साधन ही नहीं है। एक ही साधन तो है बस, कि रावण की भगनी है, और ये सच है, उसी पुण्य के वशीभूत वो राम तक पहुंच भी गए थे, उसी पुण्य के कारण, उसी के सुकृत्य के कारण, उसी के साधन के कारण, अन्यथा सुपर्णखा के पास कोई साधन नहीं था। तो राम के रावण के कुछ जो साधन है, उन साधनों से ही उस वो एक सामग्री बन गई, पात्र बन गई, लीला का एक पात्र। लक्ष्मण ने कहा कि भाई वो स्वामी है और मैं सेवक हूं, सेविका बनेगी या चाकर बनेगी, किंकरी बनेगी, वो स्वामी मैं दास, दासी बनेगी, वहीं जा, यहां तो दासी बनकर रहना होगा, किंकरी बनकर, नौकरानी बनकर, वहां रानी बनकर, नौकरानी और रानी, देख क्या करना है? एक बार और वहीं जाओ, तो फिर वो एक और प्रयास करते वहां पहुंचने का। और जब वहां पहुंचने का प्रयास करती है तो राम ने फिर कहा कि वही साधन नियम व्रत फलीभूत होंगे, वही क्रम का पता लगेगा, साधन का क्रम क्या है। तो व्यक्ति के, जो व्यक्ति साधनहीन होता है, श्रीहीन, विद्याहीन, जो अविवेकी होता है, जिसके पास आध्यात्मिक विचार नहीं होता, उसे बड़ी जल्दी क्रोध आता है। क्रोध उनको जल्दी आता है जो अविवेकी हैं, जिनके पास विचार नहीं है, विवेक नहीं है, विद्या नहीं है, आत्मसंयम नहीं है, शास्त्र विचार से जो अनभिज्ञ हैं, ऐसे प्राणियों को असफलता पहले अनुभव हो जाती है। वो असफल होकर और काम में विफल होकर, और क्रोध तो आता ही तब है जब विषय की पूर्ति नहीं होती, तो काम की पूर्ति के अभाव में क्रोध आता है। काम की पूर्ति के अभाव में, यह ध्यान रखना, आपको कभी क्रोध आया है तो क्रोध के पहले काम आया होगा। जब विषय का अभाव सिद्ध नहीं, विषय का भाव सिद्ध नहीं हुआ, विषय में असफल हो गए, जब आप काम में विफल हो गए, किसी कामना में, वासना में, स्पृहा में, लालसा में, ऐषणा में, कोई जो आपकी ऐषणा है जब विफल हुई है तभी क्रोध आया है। दूसरी बात, अपनी विद्या के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, विचार के अभाव में। तीसरी बात, इसका अर्थ है आप अक्षम हैं, अयोग्य हैं, अपात्र हैं। चौथी बात, तो इसका अर्थ है कि अपनी अक्षमता के कारण, अपनी विफलता के कारण हम सफल नहीं हो सके, इस कारण ही तो क्रोध आया है। क्रोध में दूसरा कहाँ है कोई व्यक्ति? तो क्रोध का कारण अपनी अक्षमता है, अपनी विफलता है, अपनी साधनहीनता है, ज्ञान का अभाव है, विचार का अभाव है, तो भारी क्रोध आया सुपर्णखा को। और वो समझ गई कि इन दोनों के बीच में जो ये तीसरी बैठी है, ये सीता, इसे मैं क्षति पहुंचाऊंगी और इसको अपना आहार बनाती हूं। तो विराट होकर वह जगत जननी जानकी जी को क्षति पहुंचाने के लिए अथवा उनका अहित करने के लिए जैसे आगे बढ़ी, स्वामी के संकेत पाकर, और फिर लक्ष्मण के वाण उनके कान तक पहुंचे, थोड़े नासिका तक भी पहुंचे। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनकीन, ताकि कर रावण कह मनहु चुनौती दी। रावण को चुनौती देने के लिए, उसने साक्षरी सत्ता को, कि हर चीज ऐसे हटात छीनी नहीं जाएगी, अपराध नहीं की जाएगी, अब वो उनकी परंपरा है, वो उनकी प्रकृति है। रावण के पास जो भी वस्तु है वो छीनी हुई है, छल से, बल से, प्रपंच से, एक भी वस्तु स्वार्जित नहीं है।
कभी इस पे चर्चा करेंगे हम। रावण के पास एक भी वस्तु अपनी नहीं थी, सब छीनी हुई वस्तुएं थी, अपराध वस्तु। तो ऐसे वो राम को भी छीनना चाहती है, हठात